आज बीजेपी कहती है कि हम पीओके वापस लेंगे। मोदी जी 10 साल से क्या आप सिर्फ चाय पी रहे थे? 10 साल से क्या आप सिर्फ चाय पी रहे थे? लो पीओके को, हम भी कह रहे लो पीओके को। भारत का टूट हिस्सा है, कौन रोका आपको? 10 साल से नरेंद्र मोदी इस देश के वजीर आजम और प्रधानमंत्री हैं। 2014 में मोदी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, मोदी ने कहा था 15 लाख हर एक के अकाउंट में आएंगे, मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। फिर 2019 आया तो मोदी ने कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, मोदी ने बड़े बड़े वादे किए। बताइए आज मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूं, क्या तुम अगर भारत से सच्ची मोहब्बत करते हो तो क्या तुम सिर्फ मस्जिद और मंदिर के झगड़े में उलझ कर रहोगे या फिर अपनी नौकरी की लड़ाई लड़ोगे? तुम क्या सिर्फ मस्जिद और मस्जिद की लड़ाई में उलझते रहोगे और तुम्हारे घर में चिराग नहीं जलेगा? तुम्हारी दुकानें बंद, तुम्हारे कंपनियां बंद, तुम्हारी फैक्ट्री बंद। मोदी बात करते हैं कि ताला लग जाएगा। क्या नरेंद्र मोदी ने 500,000 की नोट गायब करके कई फैक्ट्रियों को बंद नहीं किया? कोविड का जमाना आया, क्या एक देश का प्रधानमंत्री चंद घंटे की मोहलत भी नहीं दिया और 130 करोड़ जनता से कहा कि भाइयों बहनों भारत बंद, मैं ताला लगा रहा हूं? ताला मोदी ने लगा दिया। जो उत्तर प्रदेश के गरीब बच्चे नौजवान मुंबई में थे, हैदराबाद में थे, दिल्ली में थे, भुवनेश्वर में थे, बेंगलुरु में थे, वो तड़प गए आने के लिए अपने अपने घरों को वापस। नरेंद्र मोदी भूल गए कि उनके इस 2 फैसलों ने लोगों की जिंदगियों पर ताले लगा दिया। आज मोदी बात करते हैं कि ताला लग जाएगा, मोदी बात करते हैं कि बुलडोजर की मिसाल देते हैं। 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री बुलडोजर की मिसाल देता है। आज बीजेपी कहती है कि हम पीओके वापस लेंगे। मोदी जी 10 साल से क्या आप सिर्फ चाय पी रहे थे? 10 साल से क्या आप सिर्फ चाय पी रहे थे? लो पीओके को, हम भी कह रहे लो पीओके को। भारत का टूट हिस्सा है, कौन रोका आपको? मगर आज अमित शाह और मोदी बोलते हैं हम पीओके लेना चाहेंगे। 10 साल से आप क्या कर रहे थे? सच्चाई ये है कि हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर चीन बैठा हुआ है। लद्दाख में डेपसांग डेमचांग एक मुकाम है जहां पर चीन की फौज बैठी हुई है और मोदी डेपसांग डेमचांग का नाम नहीं लेना चाहते। पीओके की बात तो करते हैं, बहुत अच्छा है, मगर ये भी तो बोलो मोदी के चीन को उखाड़ कर फेंक देंगे, हम भारत की जमीन को बचाएंगे। मगर मोदी चीन का नाम नहीं लेते, कुछ नाम नहीं लेते। अब चुनाव आया तो बोल रहे पीओके ले लेंगे। अरे 10 साल में ले लेते आप।